सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। ड्यूटी के दौरान कई डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारी उन्हें नजारत मिले। इसके बाद कलेक्टर ने सभी को हिदायत दी है कि अस्पताल की ड्यूटी के दौरान कोई भी गायब ना हो। कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के औचक निरीक्षण से ड्यूटी पर तैनात स्टाफ और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। ड्यूटी के दौरान कई स्टाफ डॉक्टर नाराज दिखे। इस दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने अस्पताल में सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के अलग अलग वार्डों, दवा वितरण केंद्र एवं पैथोलॉजी का निरीक्षण किया और डॉक्टरों की उपस्थिति के बारे में कलेक्टर ने CMHO से जानकारी ली। इसके साथ ही कलेक्टर ने अस्पताल में सभी को मास्क लगाने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने सभी चिकित्सकों को उनके कक्ष में निर्धारित समय तक रहने और OPD में बैठने का निर्देश दिया है। राजीव रंजन मीणा ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्थाओं का चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से औचक निरीक्षण किया गया है। शासन की जितनी सेवाएं हैं, चाहे वो अपनी जो वहाँ मिलने वाली जो अपनी सुविधाएं हैं, अपनी चिकित्सा सुविधाएं हैं, या वहाँ दवाइयों की व्यवस्थाएं हैं, या फिर हमारी जो पैथोलॉजी की जो जांचें हैं उनके संदर्भ में यहाँ आज उनका निरीक्षण किया गया था। और जो ज़रूरी जो दवाइयाँ हमारे स्टोर में उपलब्ध हैं या नहीं हैं, या हमारी ज़रूरी दवाइयाँ हमारे जो वहाँ जो स्टोर से जो हमारा काउंटर है वहाँ उपलब्ध है या नहीं, उनकी बारे में जानकारी ली। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।